हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ बालों की ढेर सारी समस्या का एक ही समाधान। अगर आप इसे एक से लेकर दो बार हफ्ते में यूज करोगे तो आपके बाल टूटना, झड़ना, जो भी आपके बाल में गंजापन आ गया और आपके पतली चोटी हो रखी है, इसे भी ये मोटा करेगा। बाल में जो भी आपके दो मुहे बाल है, बाल में डैंड्रफ है, अगर आपके बालों में जो भी रूसी है, ये उसे भी दूर करेगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट से भरा हुआ इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसे हमें अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, चलो शुरू करते हैं आज की ये रेमेडी। सो गाइज, सबसे पहले हमें लेना है एक अनियन और इसे मैं बिना छिलके के ही कट करूँगी। अगर छिलके सहित डालूँगी तो और भी ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। जो भी प्याज में गुडनेस रहता है वही गुडनेस इस छिलके में भी रह जाती है, तो मैं छिलके सहित इस रेमेडी को बनाऊंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है चाय पत्ती। ये मैंने 2 चम्मच ले लिया है और 2 चम्मच ही मैंने ले लिया है यहाँ फेनुग्रीक सीड मेथी दाना। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने लिए, ये सभी बालों के लिए इतना ज़्यादा फायदा देता है, बालों की सारी समस्या को ये जड़ से ही ख़त्म करेगा और जो भी आपके बाल झड़ रहे हैं उसे भी स्टॉप करेगा। सो इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लिया है और इसे 15 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से आपको उबाल लेना है। जब तक ये आधा ना हो जाए तब तक आपको इसे उबाल लेना है। 15 मिनट इसे उबालने के बाद इसे ठंड होने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं इसे छान लूँगी छन्नी की मदद से। 15 मिनट के बाद भी ये थोड़ा गर्म सा ही लग रहा है, उसके बाद में अगर ये ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसे अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगा लेना है। किस तरीके से लगा लेना है वो भी मैं आप सबको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको उसी तरीके से लगाना है इसे। अगर इसे आप ओवरनाइट के लिए लगाओगे तो भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर आप दिन में लगाओगे तो भी आपके लिए ये बेनिफिट ही रहेगा। नहाने से 2 घंटे पहले आपको इसे लगा लेना है। इसमें मैंने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये ऑयल पूरी तरीके से इस पानी में ऑब्जर्व हो जाए तब तक हमें इसे मिला लेना है। अगर आपके पास इस तरीके का ड्रॉपर है तो आप इस ड्रॉपर की मदद से भी अपने बालों में इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है इस तरीके का ड्रॉपर है तो। अगर नहीं है तो आपको स्प्रे बोतल में इसे भर देना है और जब आपको यूज करना है तब आप इसे यूज कर सकते हो। अगर ये बच भी जाता है तो आप 1 हफ्ते तक इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर आप इसे यूज कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार भी इसे लगाओगे अपने बालों में तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होता है और इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर भी होता है, तो ये बालों का टूटना झड़ना बंद कर लेता है और बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है और बालों में ये जो भी आपके फंगस लगता है उसे भी नहीं लगने देगा। और ये स्पेशली क्या करता है कि आपके बालों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, तभी जाकर आपके बाल ग्रो हो पाते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं बात करूँगी मेथी दाना की। मेथी दाना में फॉलिक एसिड, विटामिन ए, सी और के, पोटासियम, आयरन, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर रहता है। मेथी दाना को अगर आप बालों में लगाओगे तो ये बालों को झड़ना तुरंत बंद करेगा और बालों को मजबूत रखेगा। बालों को अगर आप मोटा करना चाहते हो तो एक बार इस तरीके का ये सीरम बनाकर आपको ज़रूर अपने बालों में अप्लाई कर लेना है गाइज। बहुत ही सारे गुणों से भरपूर रहता है मेथी दाना, आप जिस भी तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से सीरम बनाकर भी लगा सकते हो। इसका ऑयल ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर लिया है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो। मैं मेथी दाना का ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज करती रहती हूँ अक्सर। मेथी दाना बालों की सारी समस्या का समाधान करेगा, ये बालों को ग्रोथ करेगा, रीग्रोथ करेगा, आपके छोटे छोटे जो बाल है ये उसे भी तेज़ी से ग्रो करेगा, तो जो भी आपके बाल झड़ रहे हैं उसे तुरंत स्टॉप करेगा। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट से मेथी दाना को भी हम इसी सीरम में शामिल कर लेंगे तो बालों की ग्रोथ होना तो रहता है, बनता ही है। इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी में आज आप सब लोगों के लिए लेकर आए हूँ गाइज, आपको ज़रूर एक बार इसे ट्राई कर लेना है अपने बालों के लिए। और ये देखो मेरे छोटे छोटे जो भी बाल थे ये भी ग्रोथ होना शुरू हो गए, ये 2 से 3 मंथ के ही बाल है अभी तक, तो आप देख सकते हो पहले ये सभी झड़ गए थे तो अभी ये सभी उगना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे बाल हैं मेरे। मैं अपने बालों की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तो गाइज आपको भी इसी तरीके से अपने बालों में केयर कर लेना है। अगर आप इसी तरीके से अपने बालों को भी केयर करते हो तो आपके बाल भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे, पतले बाल को ये मोटा कर लेगा। अगर इसमें एक खासियत ये भी है कि इसमें हमने चाय पत्ती भी ऐड किया है तो वो भी बालों के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है।
अगर आपके बाल भी समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो ये इसे भी स्टॉप करेगा, बालों को काला करेगा, बाल में अच्छी तरीके से ये कंडीशनर करेगा तो बाल को सिल्की शाइनी स्मूथ रखेगा। इसे मैं ओवरनाइट के लिए लगा रही हूँ तो मैंने बना लिया है बंद। ये कैप मैं अपने बालों में लगाऊंगी और ओवरनाइट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी और नेक्स्ट डे मैं करूँगी अपने बालों का वॉश। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।